Hunar Nama Hero is a project launched by the Vice Chancellor of National Skills University Islamabad, Professor Dr. Mohammad Mukhtar. जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाकी अल शेख बस्ती में। कच्ची बस्ती है और यहाँ से एक इंतहाई टैलेंटेड छोटा बच्चा है, उसकी वीडियो गुज़श्ता रोज़ एक टीचर हैं उन्होंने वायरल की और वो बच्चा जो है उसके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतें रखी हैं और उसने बहुत सारी नाकारा चीज़ों से ऐसी कारामद चीज़ें बनाई हैं कि देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हुई है और वो बच्चा इस वक्त दुनिया भर में देखा जा रहा है। इस वक्त हम उसके पास पहुँचे हैं, हम उसकी घर का आपको बताएंगे कि ये आप देख सकते हैं कि ये उसकी कच्ची बस्ती है जिसमें उसका घर है और ये इसकी चीज़ें डिस्प्ले की हुई हैं। छोटा सा बच्चा है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अली? ठीक हो? शुक्रिया अल्लाह। आपको पता है कि अभी दुनिया आपको देख रही है? जी जी पता है। आपकी वीडियो गुज़श्ता रोज़ जो हमारे एक टीचर हैं रियाज साहब उन्होंने अपलोड की, उसके बाद वो फेसबुक की जीनत बनी, इस वक्त लाखों लोग देख चुके हैं। आपने वो वीडियो देखी है कि वाकई आप इतने वायरल हो चुके हो? जी जी देखी है मैंने जी। आपने ये जो चीज़ें बनाई हैं, ये जो चीज़ें आपने सामने नज़र आ रही हैं, आपको शौक कैसे पैदा हुआ? जी ये बस अल्लाह पाक का करम है, ये 3 साल पहले मुझे ये शौक़ पैदा हुआ और मैंने देखा है ऐसी वैसी चीज़ें देखी हैं और मेरी कोशिश यही रही है कि मैं इंशाल्लाह यही चीज़ें बनाऊं। आप पढ़ते किस क्लास में हो? मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ कश्मीर मॉडल स्कूल में। अच्छा, ये जो आपने चीज़ें तख्लीक की हैं, आपने ट्रैक्टर बनाया है, डेम्पर बनाया है, आपने ट्रक बनाया है, रक्षा बनाया है, आपने झूला बनाया है, 3 किस्म के आपने झूले बनाए हैं और नाजरीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत खूबसूरत किस्म का ये आपका हेल्प करो मेरे साथ, ये बहुत खूबसूरत किस्म का इसने घर बना के अपने ख्वाबों का आज़ार कर दिया है कि इस तरह का घर मेरा होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर कच्ची बस्ती में रहता है और ये आप देख सकते हैं कि सारा कागज़ से इसने बनाया है, कागज़ का इसने इस पे काम किया है और जितने भी यहाँ पर उसने झूले बनाए हैं ये आप देख सकते हैं, इस छोटे ने ट्रक बनाया, छोटे आप आगे आ जाओ, ये ट्रक आपने जो बनाया है, ट्रक आर्ट जो है वो दुनिया भर में मशहूर है, अभी पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान के ट्रक आर्ट की फ़ैन हो रही है, तो ये इसमें जो जो चीज़ें आपने लगाई हैं, आपने क्या क्या चीज़ें लगाई हैं? मैं एल्फी वगैरह लगी है, डबल टेप लगी है, प्लास्टिक का भी इस्तेमाल हुआ है। ये जो बॉडी बनी है, बॉडी आपने किससे बनाई है? ये फ्लाईबोर्ड की है। अच्छा जी जी। तो ये जो चीज़ें आप बनाते हो, हमें पता है कि इस पर बहुत खर्चा आता है, आप कैसे कर लेते हो ऐसे? जी जो पॉकेट मनी मिलती है मुझे उसमें से करता हूँ और कुछ अगर पैसों की और ज़रूरत हो घर से वालदेन से ले लेता हूँ। आपके बारे में यहाँ आके हमें मालूम हुआ कि आप कच्ची बस्ती में रहते हैं, आपके घर की हालत सही नहीं है, आपका जो घराना है उस तरह माली हिसाब से मजबूत नहीं है, आपके वालद हैं रूटीन का काम करके निज़ाम चलाते हैं, ज़िंदगी का पहिया चलाते हैं, आप कितने बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई हैं। तो किस किस क्लास में पढ़ते हैं? बड़ा भाई 11th में पढ़ता है और मैं 7 में पढ़ता हूँ और बड़ी बहन 10 में पढ़ती है और छोटी बहन 5 में पढ़ती है। ये चीज़ें जो आपने बनाई हैं इसके बनाने में आपके साथ किस किसने हेल्प किया है? जी अबू हेल्प करते हैं, भाई करता है बड़ा और मैं अकेला होता हूँ बस। नहीं तो कभी आपको मार नहीं पड़ी है अम्मी की तरफ से, अबू की तरफ से कि किताबें कापियाँ छोड़ के आप फजूल काम में लगे हुए? अल्लाह का करम है, पढ़ाई भी करते हैं और साथ में ये भी करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें तख्लीकी जो चीज़ें होती हैं, जो तख्लीकी काम कर रहा होता है उसको पहले ही घर से मजम्मत होती है और वो ये कहते हैं कि आप फजूल काम कर रहे हो, तो ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं ऐसा मेरे साथ नहीं। ये झूला आपने कैसे डिज़ाइन किया, आपने क्या, आपको जहन में कैसे आया कहीं आप इस झूले पर जाके बैठे हो, आपने ये कैसे बनाया, ये आप चला भी लेते हो, थोड़ा चला के दिखाओ। देख सकते हैं नाजरीन के ये झूला जिस हिसाब से चलता है पार्कों में उसी हिसाब से इसने बनाया है और ये इसने एक बैटरी लगा के मुख्तसर निज़ाम लगा के इसको चला दिया है, यानी इसने झूला बना दिया। कैसे आपके जहन में आया ये? मैं इधर मेला लगा हुआ था उधर गया हूँ, वहाँ पे देखा है मैंने ये झूला, फिर मैंने बोला कोशिश मेरी यही रही है कि यही बने, कोशिश की अल्लाह ताला का करम है यही बना है। इसमें आपने क्या क्या चीज़ें लगाई हैं? इसमें गत्ता लगा हुआ है, ये झाड़ू की तीलियाँ लगी हुई हैं, एल्फी लगी हुई है और बस ये आप देख सकते हैं नाजरीन के गत्ता झाड़ू की तीलियाँ जो हम रूटीन में चीज़ें फेंक देते हैं जिनको हम कचरा समझते हैं, उससे बच्चे ने क्या बनाया है और आप समझ सकते हैं कि ये हीरा किस तरह का हीरा इस शेख बस्ती की कच्ची आबादी में मौजूद है। ये एक खूबसूरत किस्म का इसने डैम्पर बनाया है और इस डैम्पर के बारे में ये आप देख सकते हैं कि इसकी कलर डिज़ाइनिंग, आप कलर स्कीम देख लें कितनी ज़बरदस्त है, 635 इसका इसने नंबर लगाया, शीशा लगाया, तमाम चीज़ें और इस पर इसमें गरारी फिक्स है, टायरों का पूरा निज़ाम इसने यहाँ पर रखा है, तो आप ये बताएं कि इसमें मज़ीद क्या गुंजाइश रहेगी, अब आपने इसका क्या काम करना है? अभी इंशाल्लाह इसमें लगाऊंगा मैं, मोटर लग जाए इसमें, मेरी यही कोशिश है, इसका ये जो जैक है खुद उठे।
यानी ये हाइड्रोलिक सिस्टम भी है, यही बात है। ये आप देख सकते हैं नाजरीन के हाइड्रोलिक सिस्टम इसने या इस पे रखा है, और ये इसका ये कहना है कि अगर मुझे मतलूबा चीज़ें मिल जाती हैं तो ये खुद इस पे अगर कोई सामान लोड करेंगे तो हम इस पे ऐसा सिस्टम लगा देंगे कि ये जो है वो हाइड्रोलिक सिस्टम के जरिए अनलोड होंगे। इसी तरह इसने बेशुमार यहाँ पर चीज़ें जो रखी हैं, हम इसकी चीज़ों की हिफाजत के साथ वापस भी रखेंगे। और ये देखें, आपने इस बहुत खूबसूरत अंदाज में एक ये रवायती ट्रक बनाया है जिसको हम फौजी ट्रक कहते हैं। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर का निज़ाम, और इसके अंदर ये इसने बैटरियां लगाई हैं, और ये तारों का निज़ाम आप देख सकते हैं। लकड़ी का अच्छा खासा वेट है इसका, तकरीबन 2-2.5 किलो वज़न है। और पीछे आपने देखा, देख लें कि ट्रक आर्ट पे जो लिखा होता है कि वक्त ने मुझे एक बार फिर से दुल्हन बना दिया। ये फिक्रा आपने कहाँ से ले आए कि वक्त ने एक बार कैसे आपको दुल्हन बना दिया? मैं मोबाइल में एक गेम खेलता रहता था, उधर से मैंने देखा है, बस मैंने बोला है यही शेर लिखवाते हैं। अच्छा, आपके आगे क्या इरादे हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ किस तरह की मदद हो, आप क्या करेंगे? इंशाल्लाह मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, और अभी जो मौजूदा वक्त है इसमें मैं ये सोच रहा हूँ कोई माली मदद हो जाए तो फिर जो है ना आगे। यानी आप आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, आपके पास वसाइल नहीं है? यही बात है जी, वसाइल हो जाए ना फिर इंशाल्लाह आगे हो सकता है कुछ ना कुछ। अभी आपको है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर समझ लें, बराह रास्त आपको देख रहे हैं, आप वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को क्या पैगाम देंगे, उनको उनसे क्या गुजारिश करेंगे? मैंने उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं, और मैंने सुना वो बड़े अच्छे हैं। अगर वो किसी अच्छे तालीमी इदारे में मुझे दाखिला दिलवाते हैं तो इंशाल्लाह आगे दुनिया ऐसी चीज़ें मैं बनाऊं के देखती रह जाए। बाकी शेख बस्ती से जो इरा हमारे एक उस्ताद हैं रियाज अवान साहब, उन्होंने कल दरियाफ्त किया, और ये बच्चा 3 साल से कामों पे लगा हुआ है। आप इसकी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, कितनी चीज़ें इसने खूबसूरत अंदाज में बनाई हैं। लेकिन इस बच्चे का ये कहना है कि हम कच्ची बस्ती में रहते हैं, हमारे पास न घर है, न रहने की प्रॉपर जगह है, ना ही हमारे पास इतने वसाइल हैं कि वो हम ऐसी कोई चीज़ बना सकें या कुछ मैं अपने पैसों से खर्च करके कोई ऐसी चीज़ें बनाऊँ। इसका ये कहना है कि मेरे पास बहुत बेपनाह टैलेंट मौजूद है, अगर कोई अदारा मेरे साथ तावन करे, मुझे इस तरह की सपोर्ट करे। और इसने अपनी एजुकेशन जारी रखने के लिए भी कहा है कि मैं मुस्तकबिल में इंजीनियर बनना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे जो है वो तावन की ज़रूरत है, मुझे तालीमी स्कॉलरशिप दी जाए।